हाय, आज के वीडियो में हम अपनी बाइक के लिए फ्यूल बनाएंगे एथेनॉल, वो भी घर पर। फिर हम अपनी बाइक को उस फ्यूल से चलाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा। ये ईस्ट है, इसको हम गर्म पानी में डालेंगे एक्टिवेट करने के लिए। ईस्ट शुगर को खाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एल्कोहल बनाता है। ये गुड़ है, ये गन्ने से बनाया जाता है। अब हम इसमें पानी डालेंगे बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में। 1 किलो गुड़ में 1 लीटर पानी डालेंगे। अब हम गुड़ को स्मैश करेंगे ताकि पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बन जाए। सॉल्यूशन बन गया है। अब हम इसमें ईस्ट डालेंगे। अब इस डार्क को 20 से 22 दिन के लिए छोड़ देंगे हम। इतने दिन में हमारा ईस्ट सारी शुगर को खा के अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये 2 मीटर कॉपर का पाइप है। अब हम इसको स्केन पर गोल गोल घुमाएंगे जिससे इसका स्प्रिंग टाइप में बन जाएगा बिल्कुल ऐसे। हम आइस डालेंगे कूलिंग के लिए। स्टोव को आपको मिनिमम पर करना है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले अल्कोहल का स्टीम बनेगा। तो अब इसमें हो ये रहा है कि जैसे ही हमने इसको स्टोव पर रखा तो यहाँ पर अल्कोहल का स्टीम बना और वो कॉपर कॉयल में गया। कॉपर कॉयल में दोबारा ठंडा हुआ, लिक्विड फॉर्म में गया और इधर आप देख सकते हैं इसके ड्रॉप्स आ रहे हैं। हम इनको बीच बीच में जलाकर देखेंगे क्योंकि जैसे ही अल्कोहल ख़त्म होगा पानी आने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने एथेनॉल बनाया है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम एथेनॉल से गाड़ी चलाएं, लेकिन बैटरी सिस्टम सबसे अच्छा है। चलिए इससे हम अपनी बाइक में डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम बाइक का पेट्रोल निकाल देंगे। अगर आप भी ट्राई करें तो किसी पुरानी गाड़ी में डालें इसको, क्योंकि हमें नहीं पता है इंजन और पिस्टन पर क्या इफेक्ट डालेगा। अब हम इसमें एथेनॉल डालेंगे। अभी इसके कार्बोरेटर में पेट्रोल होगा इसलिए हम इसको 5 मिनट तक ऐसे स्टार्ट करके देखेंगे, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ये अभी भी अच्छे से स्टार्ट है, इसको लगभग 10 मिनट हो गए होंगे। चलो अब इसकी राइड मार के देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ शेयर करो।